40 से ज्यादा खिलाड़ी निकले हैं। ये फुटबॉल क्रांति अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रही है। शहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 1200 से ज्यादा फुटबॉल क्लब बन चुके हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। फुटबॉल के कई बड़े पूर्व खिलाड़ी और कोच आज यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सोचिए, एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता, नशे के लिए बदनाम था, वो अब देश की फुटबॉल नर्सरी बन गया है। इसलिए तो कहते हैं, जहां चाह वहां राह। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें तराशने की और तराशने की। इसी विकास को दिशा भी देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के दौरान देश में करीब करीब 2,00,000 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविधता से भरे थे। इन आयोजनों की एक खूबसूरती ये भी रही कि कहानियां, यानी फौज से जुड़ी कहानियां भी लोगों को खूब पसंद। 15 अगस्त पास ही है तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव गांव से, कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज बस इतना ही। अब कुछ ही दिनों में हम 15 अगस्त आजादी का ये महान पर्व का हिस्सा बनेंगे। देश की आजादी के लिए मरने वालों को हमेशा याद रखना है। हमें उनके सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है और मन की बात देशवासियों की इसी मेहनत को, उनके सामूहिक प्रयासों को सामने लाने का ही एक माध्यम है। अगली बार कुछ नए विषयों के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया और आओ बंद कर दिया टीवी।